So hi and welcome to this another college review, and in this episode I'm going to review a university which is based out in Bhopal named Jagran Lakecity University. वैसे तो I think जब इस university की बात होती है, because I myself belongs from Bhopal, काफ़ी सुंदर university है. सिर्फ अगर आप infrastructure देख के किसी college को decide करना चाहते हो तो आपको लगेगा यार एक बार जाने के बाद कि यार एडमिशन ले ही लेता हूँ. बट जब बात MBA की कर रहे होते हैं, क्योंकि एक फाइनल इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो क्या आपको ये कॉलेज लेना चाहिए? क्योंकि DT काउंसलिंग चल रही है, बच्चा MP में, भोपाल में IPER भी देख रहा है, इंदौर में प्रेस्टीज भी देख रहा है, IMS भी देख रहा है, IIPS भी देख रहा है, और लेट्स से वो नहीं होता है तो क्या मैं इसको एज ऑप्शन कंसिडर करूँ? उसी पर डिटेल डिस्कशन करेंगे. तो क्या करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड. वैसे तो ये वीडियो मैंने कल भी शूट किया था, बट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो आई वॉज नॉट गेटिंग दैट वाइब कि यार मज़ा आया. मुझे शूट करके भी मज़ा नहीं आया, तो मैंने बोला कि यार इसको अपलोड मत करना, दोबारा शूट करेंगे, बिकॉज यार मज़ा आना चाहिए जो इंसान इन्फॉर्मेशन के लिए आया है. तो हम बात कर रहे हैं जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी की. ये थोड़ा सा अबाउट है जो आपको कॉलेज की वेबसाइट पर मिल जाएगा, हम हाईलाइट्स पर डिस्कस कर लेते हैं. एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, भोपाल में लोकेटेड है, 2013 की स्टैब्लिश है. बहुत सारे कोर्सेज कराती है, अंडर ग्रेड्स, पोस्ट ग्रेड्स, इंजीनियरिंग कराती है, तो उसी के हिसाब से अफिलिएशन है. जैसे नाक का अक्रेडिटेशन है, इसके पास AIU का अक्रेडिटेशन है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, AICT अप्रूव्ड है, और उसके अलावा जो बाकी कोर्सेज है उसके हिसाब से भी कहीं ना कहीं अफिलिएशंस एंड अक्रेडिटेशन है. वैसे मैं इनके मैनेजमेंट को रिव्यू कर रही हूं, तो मैनेजमेंट में भी BBA भी है, BMS भी है, BA है, MBA है, एग्जीक्यूटिव MBA है, राइट. एंड देयर सो मच कोर्सेज व्हाट यू कैन ऑप्ट फ्रॉम द स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, राइट. एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2500 एज पर कॉलेज स्टैट्स. 88% UG के हैं, 88% UG के हैं, 8.27% PG के हैं, एंड PhD जो है दैट इज 4%, राइट. ये जो है, वैसे तो इनके 2 कैंपस हैं, एक मुगलिया छाप में है और एक कलिया सोडेम में है. आई वॉज टॉकिंग, जब मैंने बोला ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आपको लगेगा यार एडमिशन ले लेता हूँ, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट देयर कलिया सोड वाला कैंपस विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल. एंड उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे ये कुछ और हाईलाइट्स हैं जहाँ पर इन्होंने दे रखा है. फूड आउटलेट्स हैं, अकेडमिक ब्लॉक्स हैं, 350 अकोमोडेशन कैपेसिटी है, 28,000 स्टूडेंट्स फेलिसिटेशन सेंटर्स हैं, 231 एकर्स का कैंपस है, 46,000 असॉर्टेड बुक्स हैं लाइब्रेरी के अंदर, देन 125 प्लस क्लासरूम्स हैं और 4 ऑडिटोरियम्स हैं. अगेन यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं. जिस स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी, ही इज़ करंटली हैव कंप्लीटेड फर्स्ट ईयर ऑफ देयर MBA. स्टूडेंट भोपाल का ही है. एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी. अब जब कोई आप MBA कॉलेज देख रहे होते हो तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपकी लिस्ट में कभी भी एक कॉलेज नहीं होता. हो सकता है इसके साथ साथ कुछ और ऑप्शंस आपके दिमाग में हो, और एक ऐसी कैटेगरी के भी बच्चे होते हैं जो लेट्स से MP के नहीं हैं, बाहर के हैं, एंड दे कंफ्यूज कि भोपाल में जाऊं या दिल्ली में जाऊं या पुणे में जाऊं या बैंगलोर में जाऊं, कहां से कम करूं. अगर आप ये कॉलेज देख रहे हो दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं अंडर 5-6 लाख के बजट में MBA के लिए कॉलेजेस देख रहे हो, और आप अगर कंफ्यूज हो कि इसको लूँ या फिर किसी दूसरे कॉलेज को लूँ, राइट, भोपाल में कॉलेज लूँ या फिर दिल्ली जाके लूँ, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर अपने सारे सवाल पूछ सकते हैं लाइव सेशन में, जिसकी अपडेट आपको मिलती है टेलीग्राम चैनल पे, राइट, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट आई आस्क्ड विद द स्टूडेंट कि स्टूडेंट्स कहाँ के हैं जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी में. तो जिस स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी जिसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, एज पर हिम 70 स्टूडेंट का बैच है, राइट, जिसमें ज़्यादातर बच्चे भोपाल के हैं. देन उसके बाद पैन MP के बच्चे आपको मिलेंगे, और कुछ बच्चे जो हैं UP के भी आपको कॉलेज के अंदर मिलेंगे, बट मोर और लेस अगर हम बात करें तो ज़्यादातर MP के स्टूडेंट हैं एज ऑफ नाउ व्हेन इट कम्स टू MBA. अंडर ग्रेड्स में आपको हर जगह से बच्चे मिलेंगे, बट मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ MBA में. यहाँ पे इन्होंने कई सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है. फैकल्टी स्टूडेंट रेशो 20 पे एक फैकल्टी है, PhD 38% फैकल्टी है, 2500 स्टूडेंट में 58% मेल हैं, देन 42% फीमेल हैं. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चाहो तो आप देख सकते हो, वेबसाइट पे होगा. अवार्ड्स एंड अक्रेडिटेशन भी वेबसाइट पर भर भर के दे रहते हैं, बट उसके बेसिस पे किसी भी कॉलेज का डिसीजन लेना आई डोंट थिंक सो रियली वर्थ इट. होता क्या है कि जो बच्चा भोपाल का, स्पेशली जो MP का है, और वो MP के ही कॉलेजेस देख रहा होता है, तो उसके पास लिस्ट में ज़्यादा कॉलेजेस नहीं होते. लाइक मेरे कलीग हैं, वो हमेशा कहते हैं अंधों में काड़ा राजा, राइट, तो बहुत सारे कॉलेजेस अंधे हैं, उनमें से एक आध काड़ा राजा मिल जाता है, मतलब जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर रहे होते हैं, तो वो ऑप्शंस एमबीए के लिए स्पेशली बहुत कम होते हैं। इंदौर में बच्चा आईपर देख रहा होता, सॉरी प्रेस्टीज देख रहा होता है, भोपाल में उसके पास आईपर का ऑप्शन रहता है, देन गवर्नमेंट में आईएमएस है, आईआईपीएस है, बट उसमें सीट्स जो है वो बहुत कम होती है। एंड देन फिर बहुत सारे यू नो जो अंधे कॉलेजेस हैं जहाँ पे वो डिग्री के लिए एडमिशन ले रहा होता है। तो ऐसा बच्चा जिसके पास ऑप्शन नहीं रहता वो सोचता है कि यार ऑप्शन एक तो है कम और उनमें से भी कहाँ जाऊँ ये डिसाइड नहीं हो पा रहा होता है। तो उसी के साथ साथ फीस स्ट्रक्चर की हम बात करें अगर इस कॉलेज की, एमबीए है, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, बिजनेस एनालिटिक्स जैसी स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। जो स्टूडेंट से मैं बात करी थी ही सेड दैट मुझे ऑलमोस्ट 2 साल का 4 लाख का इन्वेस्टमेंट पड़ गया है MBA का कंप्लीट मिला के, राइट। एंड ये कई सारे यू नो एसोसिएशन मेंबर है। मैं कई बार इनके कॉलेज में वेबिनार्स सेमिनार्स होते हैं, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ यू नो कॉन्फ्रेंसेज ऑल्सो। तो एक्स्ट्रा करिकुलर को प्रमोट करता है कॉलेज, दैट इज देयर। फैकल्टीज़ को लेकर मैंने क्वेश्चन किया था तो स्टूडेंट का कहना है कुछ फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं और कुछ फैकल्टीज़ जो हैं वो काफ़ी एवरेज हैं। तो अगर आप पढ़ाई वाइज देखोगे तो पढ़ाई वाइज यू नो अगर हम एक देखेंगे तो पढ़ाई अच्छी है कॉलेज की, एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वो और ज़्यादा अच्छी है एज पर स्टूडेंट। सो AIU का मेंबर है, देन यू नो CII का है, फिकी का है, ऐसे कई सारे एसोसिएशन में मेंबर है व्हेन इट कम्स टू दिस स्पेसिफिक कॉलेज। कोर्सेज में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बहुत सारे प्रोग्राम्स कराता है, बट हम MBA की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अकेडमिक पार्टनरशिप। लास्ट टाइम जब मैंने इस कैंपस को विजिट किया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आई थिंक कनाडा के कुछ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, आई एम नॉट श्योर अबाउट दी कंट्री, बट स्टूडेंट्स वर देयर जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू JLU आए हुए थे। तो इसके बहुत सारी कॉलेजेस अक्रॉस द ग्लोब टाई अप हैं जिसके थ्रू स्टूडेंट हैव दिस ऑप्शन कि वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है वहाँ पे भी जा सकते हैं, एंड वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं जर्मनी में टाई अप है, यू नो USA में Purdue यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी से अकेडमिक पार्टनरशिप है फॉर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। इससे काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन मिलता है एंड ऑल्सो राइट घूमने फिरने को भी मिलता है इन शॉर्ट अगर हम बात करें। देन इसके बाद कोर्सेज BBA भी है, BMS भी है, राइट। MBA की हम बात करें जिसमें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ फाइनेंस है, मार्केटिंग है, HR है, बिजनेस एनालिटिक्स एंड ऑल्सो एंटरप्रेन्योरशिप है। एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, बहुत ईजिली मिल जाता है यार, मतलब ऐसा बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं। तो मैं एडमिशन चाहिए नहीं पता मतलब कैसे मिलेगा, सिंपल सी चीज़ है, फॉर्म भरना है, 1000 का फॉर्म होता है, एक इंटरव्यू होता है एंड यू गेट सिलेक्टेड, राइट। इट्स दैट ईजी व्हेन इट कम्स टू टेक एडमिशन। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ना लेने की ज़रूरत है, ना इतना डिटेल में डिस्कशन करने की ज़रूरत है। 60% उन्होंने मैंशन कर रखा है एंड कुछ कोर्सेज के लिए 50% उन्होंने मेंशन कर रखा है। तो ग्रेजुएशन के परसेंटेज इज समथिंग व्हाट दे लुक एट। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आई थिंक MBA जो है इन्होंने टोटल पर ईयर फीस यहाँ पे 2 लाख मेंशन कर रखा है, दैट मीन्स 4 लाख फॉर 2 इयर्स का प्रोग्राम। हॉस्टल भी है, वैसे तो यू नो ज़्यादातर जिनको हॉस्टल लगता है वो चाहे तो ले सकते हैं। जगह जहाँ पे अगर आपको यू नो KD वाला कैंपस मिलता है तो काफ़ी सुंदर है, आसपास बाग भी घूमते रहते हैं, कई बार ऐसा बोर्ड लगा रहता है देखने को मिलता है। तो दैट इज़ समथिंग व्हाट यू नीड टू सी। एडमिशन प्रोसेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, इतना ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। CCTV ये भी बच्चा जानने में इंटरेस्टेड नहीं रहता, क्लब्स में जानने में इंटरेस्टेड रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कैंपस अच्छा है तो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर में स्पोर्ट्स में आउटडोर बहुत सारे गेम्स मिलेंगे, इंडोर बहुत सारे गेम्स मिलेंगे। लाइब्रेरी काफ़ी ब्यूटीफुल सी है, राइट। कई सारे क्लब्स है जैसे JSC क्लब है, राइट, स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर क्लब है, फोटोग्राफी क्लब है, म्यूजिक एंड डांस क्लब है, लिटरेरी क्लब है, ड्रामेटिक्स क्लब है। तो ये सारे मेजोरिटी ऑफ क्लब्स जो है वो एक्टिव हैं, बिकॉज जो बच्चे JLU जाते हैं वो इसी माइंडसेट से जाते हैं कि मुझे यू नो ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर को भी एक्सप्लोर करना है, दैट इज़ ऑल्सो देयर। नाउ यहाँ पे प्लेसमेंट आई थिंक मेरी टीम ने स्किप किया है बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने स्टूडेंट्स से इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट्स पे बात की, राइट। इन शॉर्ट मैंने फिर वही बोला कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू सी कि आप एग्जैक्टली किसी कॉलेज से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। कॉलेज लाइफ सारी चीज़ें अच्छी है, बट थोड़ा सा ड्रॉबैक कहाँ है, थोड़ा सा ड्रॉबैक प्लेसमेंट के टर्म्स में है, राइट। क्योंकि एज पर स्टूडेंट जो ज़्यादातर कंपनीज आती हैं वो MP की आती हैं एज ऑफ नाउ व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट्स। इंटर्नशिप कहीं ना कहीं हम बात करें तो कॉलेज लगाता है, असिस्ट करता है, हेल्प करता है, राइट। 3 से 4 लाख के आस 4 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है, बट अगेन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कंपनीज जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम है कंपैरेटिवली टू सो मेनी अदर कॉलेजेस। आउटसाइड एमपी, राइट। और अगर आप एमपी के हिसाब से देख रहे हैं, आपको आई पर नहीं मिल रहा है तो फिर आप चाहो तो आप देख सकते हो, बट अगर आपकी लिस्ट में और भी ऑप्शंस हैं, राइट, और आप जानना चाहते हैं कि उसमें फिर इसको कहाँ रखूं, तो दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू चेक। और उसमें आपको कोई भी हेल्प चाहिए, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। सो दिस इज मी अर्शी खान साइनिंग ऑफ, मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।